सुल्तानपुर में प्राथमिक शिक्षक संघ को लेकर बीएसए दीपिका चतुर्वेदी असमंजस में हैं। दोनों संगठन के एक ही नाम और एक पते को लेकर असमंजस की स्थिति के बाद बीएसए ने पत्र जारी किया है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि शासन ने केवल मान्यता प्राप्त संगठनों के अभ्यावेदनों पर विचार करने और उन्हीं के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श के लिए निर्देश दिया है। ऐसे में वैध और अवैध पंजीकृत संगठन की पुष्टि हुए बिना आगे की कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है। बीएसए का पत्र जारी होते ही दोनों संगठन मुखर हो चले हैं। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि आज जब एक ही मन से शिक्षकों की प्रताड़ना को लेकर दोनों संगठन आवाज उठा रहे हैं, तो ऐसे में बीएसए की मंशा है कि दोनों संगठन फिर से अलग हो जाएं। दरअसल 27 दिसंबर को सुल्तानपुर में दोनों ही शिक्षक संगठन के पदाधिकारियों ने अपने अपने संगठन के पैड पर एडीएम प्रशासन को शिक्षकों के गतिमान पदोन्नति प्रक्रिया के संदर्भ में ज्ञापन दिया था, और जब ये दोनों ज्ञापन बीएसए दीपिका चतुर्वेदी को प्राप्त हुए तो दोनों संगठन के पैड तो अलग अलग थे, लेकिन दोनों ही संगठन के पैड पर प्रिंट संगठन का नाम और पता एक ही था। इसको देखते ही बीएसए ने संगठनों के वैध और अवैध के संदर्भ में तत्काल पत्र जारी कर अपनी असमंजसता व्यक्त की है। तब से ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। स्ट्रीट बस के लिए सुल्तानपुर से लालजी की रिपोर्ट। जी, बीएसए कार्यालय से पत्र जारी हुआ है शिक्षक संगठन के वैध और अवैध को लेकर के, तो ये क्या मामला है और क्या कहना चाहेंगे आप? शिक्षक संगठन वैध और अवैध का जो प्रश्न है, जिस स्तर से ये पत्र जारी हुआ है, इनके अधिकार क्षेत्र से बाहर का है। आज जनपद में शिक्षक की समस्याएं दिनों दिन जो बढ़ती जा रही हैं, उसको निस्तारण करने के बजाय इस तरह के मुद्दों को लाना और शिक्षक एक साथ अगर किसी दिन पे बात करना चाह रहे हैं, उसे दूर करने का खाली प्रयास मान रहे हैं। संगठन सभी वैध हैं, सभी शिक्षक हित में कार्य कर रहे हैं, और सम्मिलित रूप से हम जहाँ भी इस तरह की बातें आ रही हैं इकट्ठा होकर उसका प्रतिकार कर रहे हैं। कार्यालय में जो खंड शिक्षा अधिकारियों के शोषण का जो क्रियाकलाप चलाया जा रहा था, उसके विरुद्ध सम्मिलित रूप से आवाज़ उठाई गई है। उन सब को दबाने का, डायल्यूट करने का ये प्रयास है। शिक्षक संघ की वैधता के संबंध में, शिक्षक संघ के कार्य करने के संबंध में इनके कार्यालय को, इनको कई बार बताया भी गया है। जब इस चीज़ को करना चाहिए था तब इन्होंने नहीं किया। आज ये प्रश्न उठा करके ये खाली जिम्मेदारियों से बचने का प्रयास कर रही हैं। मैं अनुरोध करूंगा आपके माध्यम से कि शिक्षक समस्याओं को सुलझाने में ध्यान केंद्रित किया जाए। हम जनपद में ही रहने वाले हैं, शिक्षक हैं तो भी हम यहीं हैं, और शिक्षक नहीं रहेंगे तब भी हम यहीं रहेंगे। हमारा एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, उठना बैठना बना रहेगा। हम जहाँ भी शिक्षक हित के विपरीत बात जाएगी, एक साथ मिलकर इस तरह से खड़े होंगे, और अनुरोध करेंगे, फिर से उनसे ही अनुरोध करेंगे कि आप शिक्षक समस्याओं को सुलझाने में अपने आप को लगाएं, और संगठन की विवाद को हल करने की संगठन के पास ही है उसकी क्षमता और उसका अधिकार, किसी अधिकारी के पास नहीं। जिस तरह से आप लोगों ने जो अभी ज्ञापन दिया था एडीएम प्रशासन महोदय को, आप दोनों के लेटर पैड के जो एड्रेस हैं उसमें सिमिलरिटी है, तो क्या कहना चाहेंगे पते को लेकर के? जो पता इसलिए एक साथ है क्योंकि हम एक साथ ही कार्य करते आए हैं। एक समूह हमारा अखिल भारतीय संगठन से संबद्ध है और वो भी शिक्षक हित में काम करता है। हम उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ स्वायत्त रूप से कार्य करते हैं, तो ये फैसला ऊपर होता है, यहाँ नहीं होता है, और हम दोनों ही स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर रहे हैं। जहाँ पे जरूरत पड़ती है हम कार्य करते आ रहे हैं। मैडम, आपने शिक्षक संगठनों के एड्रेस को लेकर के कोई लेटर जारी किया है, क्या कहना चाहेंगे, क्या है पूरा मामला? हाँ, एक लेटर जारी हुआ है, कल मैंने जारी किया है। उसमें एक ही एड्रेस, एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर पे प्राथमिक शिक्षक संगठन, मतलब जो हमारे जिले में है उसमें दो अध्यक्ष हैं, तो संगठन वैलिड है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मान्य है, लेकिन किसी भी संगठन के दो अध्यक्ष नहीं हो सकते। इसमें बेसिक शिक्षा के शासनादेश है जो 2009 और 2015 में जारी हुए हैं कि किसी भी संगठन के कोई भी दो गुट के अध्यक्ष नहीं हो सकते, मतलब संगठन एक हो और अध्यक्ष दो हो, ये नहीं हो सकता। हुआ क्या था कि मेरे पास दो लेटर्स कल आए थे, तो उसमें दो अध्यक्ष का था, एक ही मैटर पर था, तो किस पे क्या किया जाए, कौन सही है, अध्यक्ष महामंत्री दोनों लोग का नाम था उसमें, इसलिए वो लेटर जारी किया गया है कि कौन उसमें से वैलिड है वो खुद बताए, तो उस पर विचार किया जाए।